सिलसिला इन दोनों के दरमियाँ नफरत से शुरू हुआ। मुझे लगा जो कुछ हो चुका है उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इश्क की ताल पर बढ़ने से पहले टकराए इनके परिवारों के उसूल। हम अपना साधना ऐसा मतलबी लोगों के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहते। मेरे फंडे लाइफ में बिल्कुल क्लियर, म्यूजिक मेरे लिए ऊंचाई तक पहुंचने की एक सीढ़ी थी। खो जाए चैन ना मिले करार, उसे ही तो कहते हैं प्यार। कौन गा रहा था यहाँ पे, इसके वास्ते वो पता नहीं वो लड़की कहाँ चलेगी। वो जो रीटेक्स थे वो प्रोफेशनल रीजन के लिए नहीं थे। मजाक करो, आई थिंक सानवी को तो बताया नहीं था उन्होंने कि किसिंग सीन है, उसको बेचारी को 15 मिनट पहले बताया गया। एंड ठीक है, रीटेक्स तो फिर बनते हैं। you know. नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 15 मिनट पहले ही बताया गया था इसके बारे में, तो ठीक है, वो इट वाज अ सीन, तो स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो यू हैव टू बीइंग अ एक्टर। देयर इज ऑलवेज अ डर्थ ऑफ रॉक स्टार्स इन दिस कंट्री, वेरी फ्यू रॉक स्टार्स। सो या एक्चुअली ये आई थिंक ये इंडिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशन है। मैंने आज तक 4 या 5 शोज़ किए जिसमें रॉक स्टार्स हैं, और चारों पांचों शोज़ में द रिस्पॉन्स हैज़ बीन अनबिलीवेबल। तो दैट्स व्हाई एंड आई बेसिकली ये शो इज़ अबाउट म्यूज़िक एंड अ रोमांस दैट इज़ क्रिएटेड बाई डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑन म्यूज़िक। तो उनमें से एक रॉक स्टार होना ही था।